रॉकस्टार गेम्स आज ये शब्द पूरी दुनिया में इतना ज्यादा वायरल हो चुका है कि शायद ही कोई ऐसा गेम लवर होगा जिसने इस शब्द को अभी तक ना सुना हो। रॉकस्टार गेम्स सुनते ही हमारे दिमाग में आती है गेम्स, और कोई ऐसी वैसी गेम्स नहीं बल्कि GTA 5, मैक्स पेन, मिडनाइट क्लब, GTA वाई सिटी और GTA सैन एंड्रियास जैसी हाई ग्राफिक वाली गेम्स। रॉकस्टार गेम्स ने अपनी बेहतरीन गेम्स स्टोरी से और उनके लाजवाब ग्राफिक्स से आज गेमिंग वर्ल्ड में अपना इतना ज्यादा नाम कमा लिया है कि उन्हें आज किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रॉकस्टार गेम्स के बारे में कि कैसे उन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किया। इन सब की शुरुआत हुई 1998 से, जब टेरी डोनावन, डॉन हॉसर, सैम हॉसर, गैरी फोरमैन और जेमी किंग ने मिलके रॉकस्टार गेम्स के लेबल को एस्टेब्लिश किया। ये सारे ही लोग बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर और एप डिजाइनर थे, और एक बात जिसने शायद इस लेबल को इतनी आगे तक पहुंचा दिया है वो थी कि इन सब का सिर्फ एक ही एम था कि अपनी लाइफ में एक गेम बनाए। और जब इतने सारे बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर एक साथ मिल ही गए थे तो इतनी अच्छी गेम को तो बनना ही था। इन पांचों ने मिलके स्टार्टिंग में तो अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही ज्यादा मेहनत करी। अब 1998 में रॉकस्टार गेम्स की पहली गेम आई जिसका नाम था मॉन्स्टर ट्रक मैडनेस। इनकी इस गेम में ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स ना होने की वजह से इनकी ये गेम ज्यादा हिट नहीं हो पाई। इनकी पहली गेम को अच्छा रिस्पांस ना मिलने की वजह से ये पांचों बहुत ज्यादा परेशान हुए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और 1999 में फिर से मार्केट में उतरे अपनी एक नई गेम के साथ जिसका नाम था ओरी। इनकी ये गेम भी फ्लॉप रही और अपनी दूसरी फ्लॉप गेम की वजह से इन पांचों ने एक बार इस काम को छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन इन्होंने गेम्स में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था इसलिए ये अब क्विट भी नहीं कर सकते थे। और अब सन 2000 में मार्केट में रॉकस्टार गेम्स की तरफ से एक और गेम आई जिसका नाम था संडे ड्राइवर। इनकी ये गेम भी फ्लॉप हुई, लेकिन इस फ्लॉप गेम के बाद इन्हें इनकी गलती का पता चल गया था जो थी बैड ग्राफिक्स क्वालिटी। अब इन्होंने अपनी गेमिंग में ग्राफिक की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाया और 2001 में रेड डेड रिडेम्पशन गेम निकाली और इनकी ये गेम बहुत ज्यादा हिट रही। और अब वो समय आ चुका था जब इन पांचों को अपने एम को पूरा करना था, जो था एक ऐसी गेम को डेवलप करना जो फुली ओपन सिटी हो और उसमें हाई ग्राफिक्स हो। और अपनी पहली हिट गेम के बाद ये अपने अपने काम पर लग गए। और 27 अक्टूबर 2002 को रॉकस्टार गेम्स की तरफ से एक ऐसी गेम रिलीज करी गई जिसने की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, और इस गेम का नाम था GTA वाई सिटी। इस गेम की मार्केट में करीब 20 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बेची गई। अपनी इतनी बड़ी हिट गेम के बाद इनका मन हुआ और भी ऐसी ही गेम्स बनाने का, तो बस इन्होंने रेगुलर GTA की सीरीज में काम करना स्टार्ट कर दिया। और GTA 3, GTA सैन एंड्रियास, GTA 5 जैसी सुपर डुपर हिट गेम्स को मार्केट में उतारा। और आज इनकी गेम्स को सिर्फ बच्चे ही नहीं खेलते हैं बल्कि यंगर्स भी इनकी गेम्स को खूब ज्यादा पसंद करते हैं। इन्होंने अपनी बैक टू बैक 3 फ्लॉप्स गेम के बाद भी हार नहीं मानी और काम करते रहे, और आज इन्होंने अपना पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नाम कमा लिया है। हम आशा करते हैं कि रॉकस्टार गेम्स आगे भी ऐसे ही गेम्स बनाते रहेंगे और मार्केट में खूब फेमस होंगे। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी।